राजधानी जयपुर में संजय सर्कल पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी के दौरान कार में 92.50 लाख रुपए लेकर जा रहे व्यक्ति को पकड़ लिया है। वहीं पुलिस को देख एक युवक कार से उतरकर फरार हो गया और पुलिस ने कार चालक को मौके पर ही दबोच लिया। कार चालक ने पूछताछ में नकदी को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने आयकर विभाग की टीम को सूचना देकर बुलाया है। अब मामले को लेकर आयकर विभाग की टीम जांच में जुट गई है। ACP कोतवाली नरेंद्र कुमार ने मामले को लेकर जानकारी दी है। नाकेबंदी के दौरान कार से लाखों रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि कार से 92.50 लाख रुपए बरामद हुए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरेश, कार से नोट बरामद किए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ अभी तक सामने आया है, आयकर विभाग को पुलिस ने सूचना दी है, उनके क्या कुछ कार्रवाई अभी तक सामने आई है? आपको बता दूं कि संजय सर्किल थाना इलाके में नाकाबंदी थी और नाकाबंदी के दौरान ये कार्यवाही की गई है और ये नाकाबंदी ही कोई स्पेशल नाकाबंदी नहीं, चुनाव से पहले से नाकाबंदी है और पुलिस की जो नाकाबंदी थी चुनाव के दौरान चाक चौबंद व्यवस्था थी। हर जयपुर में चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी थी और नाकाबंदी के दौरान ये कार्यवाही की गई जिसमें 90 लाख रुपए मिलने की सूचना है। तो क्या आरोपियों को पकड़ लिया गया, उनसे पूछताछ में क्या कुछ अभी तक सामने आया सुरेश? जी सदम, अभी तक की जो सूचना है उसमें यही सामने आया कि जो एक चालक था उस चालक को पकड़ा गया है और एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया और संजय सर्किल जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने मौके पर पहुंच के जो कार्यवाही है वो की, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश तमाम जानकारी के लिए।